शर्म। एक बार बाहर आके मुझसे बात कर। करम। हाँ परी। राजीव तुम ठीक हो ना? हाँ परी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? राजीव तुम ना अभी के अभी घर आ जाओ प्लीज। परी क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? सब ठीक है? मैंने कहा ना कोई सवाल मत करो, बस तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ परी। नहीं गुरिंदर, अब नीति कभी नहीं हार सकती और अब वो कभी उस जगह पे नहीं जाएगी जहां पर पहले खड़ी थी, क्योंकि अब अब्बासी पलट गई है। अब इसके पेट में इस खानदान का वारिस सांसें लेने लग रहा है। अब तो पूरा का पूरा पांचवा खानदान इसके आगे पीछे नाचेगा, इसकी खिदमत में खड़ा रहेगा। बेबे, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ नीति को ये समझा रही थी कि रब के बारे में ना कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसकी मेहर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि रब के खेल निराले हैं। वो कब क्या कर दे किसी ने कुछ नहीं पता। कल इसकी जिंदगी में क्या हो क्या नहीं, कल चाहे जो भी हो मम्मी जी, देख लूंगी मैं। अब मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं, बस मेरा संजू मुझे वापस मिल जाए, फिर चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, I don't care। संजू को पता चल गया है कि मेरी कोख में उसी का बच्चा है, अब उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन मम्मी, हमें किस तरह पता चलेगा कि वो क्या गड़बड़ कर रही है? उसका टेस्ट करवाएंगे, उसी से पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही है कि सच में उसके कोख में कोई बच्चा है। बहुत कोशिश की ना तुमने मुझसे दूर जाने की, पर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। पता है क्यों? Because I love you। मुझे पता था कि तुम्हें बच्चा चाहिए संजू, और देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। I'm pregnant with our child। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये खुशी है किस बात की? हमारा बच्चा कंसीव करने की वजह से, या फिर इसलिए कि अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते? कैसा है मेरा बच्चा? I'm sure बहुत अच्छे हो तुम, तभी तो अपने मम्मा पापा को फिर से एक करने आ रहे हो। अब देखना, जैसे ही तुम्हारे पापा को फोन करूंगी ना, वो कैसे फास्ट ड्राइव करके आ जाएंगे। दीवानी 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 तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी। संजू, अब तुम्हें हक करने का हक सिर्फ मुझे है। आई नो, जैसे तुम मुझे देखोगे दौड़ते चले आओगे मुझे हक करने के लिए। ठीक हो? क्या हुआ है परी, बताओ ना क्या हुआ है प्लीज। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा राजी। कैसा बुरा सपना? मैंने देखा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। परी परी परी, अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। नहीं चल देखो, मेरी बात सुनो, मैं कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी परी को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? फिर तुम ना बिल्कुल फालतू में परेशान होती हो। अच्छा तुम्हें ना एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है
तुम्हारे बिना एकदम अधूरा था मैं, फिर तुमसे शादी के बाद ना एकदम लाइफ कंप्लीट हो गई मेरी। किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती मुझे। वैसे भी मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। और हाँ, एक और चीज चाहिए, वो भी इंस्टेंट। बताऊँ क्या? तुम्हारी प्यारी सी स्माइल और तुम्हारी मुस्कुराहट ना जिंदगी भर देखना चाहता हूँ। तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है परी। परी का बुखार अब तक उतरा नहीं ना तुम्हारे सर से। परी, तुम्हें तो फीवर है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं क्या, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है ना फीवर है तुम्हें, तुमने मेडिसिन ली? नहीं। कोई बात नहीं, अंदर चलते, रुको एक सेकंड। समझते क्यों नहीं हो कि तुम सिर्फ मेरे हो संजू? परी, अब आंखें बंद करके ना चैन से सोचा। चलते जहां दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास हूं हमेशा। अब आंखें बंद करके ना चैन से सोचा। ताई जी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हो? नींद ही नहीं आ रही पुत्र, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। खैर तू बता, तेरे उस डिटेक्टिव का क्या हुआ? ताई जी, मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि परी का फोन आ गया। काफी परेशान लग रही थी तो मैं सीधा घर आ गया। औरत का दिल सब जाता है, रब ने उसे बनाया है ऐसे। मैं कुछ समझा नहीं ताई जी। पुत्र, परी चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। एक तरफा उसका दिमाग कह रहा है कि नीति उसकी दोस्त है, वो कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी, तो दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है, इसलिए नीति के बच्चे को अपनाने के बाद भी वो इतनी परेशान है। उधर उसे डर लग रहा है कि एक बार फिर वो तुझे खो ना दे। नहीं दाई जी, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। एक गल कहूं पुत्र, मुझे शक हो रहा है निधि प्रेग्नेंट नहीं है। क्या ताई जी, अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने सोच रखा है। क्या? हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ताई जी।
जानती थी तुम अब दूर रह ही नहीं सकते मुझसे। तुम ठीक हो? तुम ये पकड़ लोगे, मुझे और भी सामान लेकर आना। पहले तुम अपना हाथ दो। क्या क्या हुआ? सब यही है राजी। तो चलो ठीक है, आज बख्श देता हूं। क्यों होया नीति, तो कुछ परेशान लग रही है? परेशान क्यों लगेगी भला, अरे बेचारी मां बनने वाली है तो ऐसे टाइम में तो मन में कई ख्याल आते हैं। तू भी तो मां बनी थी, तेरे मन में भी तो आए होंगे ना। ये लो गर्मा गर्म पराठे। थैंक यू जी। ताई जी, वो आपको वहां जाना था ना क्लिनिक पे ब्लड टेस्ट के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ ब्लड टेस्ट, लेकिन क्यों ताई जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चिंता ना कर पुत्र, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही थी तो सोचा कि अस्पताल जाके दो तीन टेस्ट करवा लूं, देखूं कि शरीर में कुछ कमी है कि नहीं। वैसे भी इस उम्र में टाइम से टाइम है ना चेकअप करवाते रहना चाहिए, बस यहाँ का काम हो जाए फिर उसके बाद चलती हूँ। तो ताई जी अकेले जाओगे? नहीं मतलब मैं, अरे नीति तू क्यों नहीं मेरे साथ चलती, मेरा मन भी लग जाएगा वहां पे, और वैसे भी अब तो तू इस घर की मेंबर ही बन चुकी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इस घर में हुक्म सिर्फ ताई जी का ही चलता है। संजू भी ताई जी को मम्मी जी से ज्यादा मानता है, इसलिए इनको नाराज नहीं करना। चलेगी ना मेरे साथ? हाँ जी। ठीक है। आंटी जी थैंक यू, आपने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ही लिया। बच्चा है, बच्चे को तो अपनाना ही पड़ेगा ना। परमिंदर जी? जी मैं ही हूँ। आप ही परमिंदर जी हो, परी जी की ताई जी हो ना आप? जी। परी जी कैसी है अब? परी बिल्कुल ठीक है, आप जरा जल्दी कीजिए ना, हमें देरी हो रही है। आपका नंबर आ गया, चलिए। चल पुत्र। नहीं नहीं आंटी जी आप जाकर आओ, मैं यहीं वेट करती हूँ आपका। मेरे साथ आइए ना, तो मेरे साथ अंदर चलना। पर मैं अंदर क्या करूंगी आंटी जी? मुझे इंजेक्शन लेने से डर लगता है, मेरी हिम्मत बढ़ाएगी और क्या। चल आजा। कम प्लीज सिट। बैठ। सो आप रेडी हो सैंपल के लिए? जी। ओके नर्स जी सैंपल लीजिए। हाथ दीजिए। ये आप क्या कर रही है? पुत्र मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। बात समझने की कोशिश कर। नहीं कुछ नहीं होगा। लीजिए आप। नहीं क्या कर रही है आप, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। सुन तो देते ही। बेबे आप किसी पंडित को जानते हो क्या? क्या हुआ? बेबे मैं सोच रही हूँ कि पंडित जी के हाथ हो ना बच्चे के लिए उसके माँ बाप से पूजा करवा दूं, और जब पूजा पाठ की बात आती है ना तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
तो मैं सोच रही हूँ किसी नए पंडित को बुला लेते हैं। आप जानती हैं क्या? हाँ हाँ जानती हूँ। अच्छा ठीक है। तो हेलो। हाँ हेलो, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो परी, क्या हुआ? ताई जी अपना फोन क्लिनिक में भूल गई है। भूल गई मतलब? मतलब ये कि नर्स का फोन आया था, कुछ तो हुआ है पर पता नहीं क्या। कौन है? हंगामा कर दिया है पूरे घर में। अरे कहाँ मर गए सारे नौकर? चंद्रिका जाकर देख जरा। हाँ बेबी मैं देखती हूँ, एक मिनट। अरे मुझे बचा ले प्लीज आंटी जी, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। क्यों हुआ नीति, क्या हुआ? वो आंटी जी ना मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोशिश कर रही है। झूठ बोल रही है तू नीति। झूठ मत बोल। अच्छा तो फिर आप मुझे धोखे से हॉस्पिटल क्यों ले गई थी? आप सबसे इन्होंने क्या कहा था कि इन्हें ब्लड टेस्ट करवाने हैं ना, लेकिन हॉस्पिटल में नर्स मुझे इंजेक्शन लगाने वाली थी। And I'm sure, वो मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग ही थी। ऐसा कुछ नहीं नीति। ऐसा ही है जीजू, जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ ना मैं वही बता रही हूँ। इन्होंने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया था और नर्स मुझे इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि मैं वहां से भाग गई, मैं डर गई थी। नीति तू तो गलत समझ रही है। ताइशी ऐसा क्यों? गलत नहीं समझ रही यार, इन्होंने सच में मेरे साथ यही किया है हॉस्पिटल में। ऐसा कुछ नहीं नीति, ताई जी ने कुछ नहीं किया है। आई मीन ताई जी ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पे किया है। हम लोग पता लगाना चाहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं। And I'm sure कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। वो बेवकूफ बना रही हो। बिल्कुल। What? अगर आपको ऐसा डाउट था तो मुझसे पूछ लेते ना। अरे वो रोके वाले दिन जो रिपोर्ट्स आई थी वो कहाँ है? वहाँ ड्रॉअर में रखा। ये लीजिए मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, आप सब लोग प्लीज अच्छे से देख लीजिए। मैं सच में इनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। आई एम प्रेग्नेंट। मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी प्रूफ करती है। अब आप इनसे पूछिए, इन्हें कहिए कि ये प्रूफ करे कि ये मेरे बच्चे को नहीं मारना चाहती थी। ये दोस्त है मेरी, इसे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है और अब यही हमें सब कुछ बताएगी। बता सबको नीति और ताई जी क्यों आए थे क्लिनिक। जी हाँ, ये नीति का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई थी। नीति प्रेग्नेंट है या नहीं?
और ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। संजू, तुझे नीति से शादी करनी होगी।